हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जो लोग हमारा वीडियो पहले से देखते हैं वो तो जानते ही हमारा चैनल और हमको भी जानते हैं, और जो लोग नए हैं उनसे यही कहना चाहेंगे, हमारे चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आजकल हम देखिए हमारा वीडियो भी नहीं आ रहे हैं, हम लाइव भी नहीं आ रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कत चल रहा है। तो दिक्कत ये था कि इनके पेट में और कमर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। दिखाएं क्या? देखो ये बैठी हुई है, उसकी कमर में पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और इनका तो प्रेगनेंसी है अभी। आप सबको पता होगा शायद, जो हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे देखने वाले उनको पता होगा, हमने टेस्ट किया था तो उसमें पॉजिटिव आया था। तो 3 मंथ होने वाला है, तो इनका दर्द हो रहा था तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो गया, सोचने लगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर गए अल्ट्रासाउंड कराए 600 रुपये का, तो उसमें तो सब नॉर्मल आया, लेकिन उसमें एक और बीमारी बता दिया कि हरिनिया है। तो गए उसके बाद डॉक्टर के पास, गए सरकारी अस्पताल में गए थे हम लोग, तो फिर डॉक्टर जो थी उनको दिखाए तो बोले कि ठीक है सब कुछ, बस इनको एक जो आयरन की गोली आती है वो दी है और बाकी दूसरी दवाई अभी दी है, बाहर से लिखी थी, सरकारी दवा नहीं मिली हमको और बाहर से दवाई लेके आना पड़ा हमको। तो बाहर से दवाई लाए थे तो खाने के बाद में इनको जैसे चक्कर टाइप का आ रहा था बहुत, तो फिर गए वो दवा लेकर डॉक्टर के पास, उनको बोले कि दवा खाने के बाद में घबराहट हो रहा है, तो बोले कि ऐसा दवा मत खाइए, दर्द नहीं हो रहा है तो बंद हो गया होगा। तो घर पे आए तो वो सब दवा जो लिखी थी वो खाने के बाद में पेट का दर्द कमर दर्द सब सही हो गया था, तो वो सब दवा बंद करके एक कैप्सूल था विटामिन का वो और आयरन, वही दोनों खाना है तो वही दोनों खा रही। आज दवा तो कल ही ख़त्म हो गया, आज फिर से जाना है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोली है कि हर वीक में, हर सप्ताह में आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ठीक है 3 महीने लगेगा ये, तो देखते हैं लग पाता है कि नहीं लग पाता है, अभी तो पैसा भी नहीं है, देखेंगे पैसा जुगाड़ करेंगे, अगर हो जाएगा तो जाएंगे सुई लगवाने, नहीं तो फिर कहाँ से जाएंगे हम। तो ये सब दिक्कत चल रहा है जिसकी वजह से हम लाइव भी नहीं आ रहे थे, हमारा वीडियो भी नहीं आ रहा था। इस समय छत के ऊपर अपने बैठे हुए हैं, एक ये लोकेशन नज़ारा देखिए ये नीचे का, ठीक है, और देखिए ये पुअरा का बनाए हुए हैं, इसी पर बैठे हुए हैं, और ये बैठी हुई हैं भाभी जी, और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हेलो दोस्त, आप लोग का नमस्ते, और बताइए आप लोग कैसे हैं। देखिए अभी हम तो पूरी बना रहे थे, सुबह लाइव आए थे, पूरी बनाकर जैसे खाली हुए नहाए बच्चे को नहाए, इसके बाद हम आए छत पर देखो धूप लेने के लिए, तो वही उनसे अभी पूछ रहे हैं कि दवा के चलेंगे कि सुई लगवाने की नहीं, कुछ जैसे मन का जुगाड़ बनेगा तो जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। आप लोग सपोर्ट करो हमारा कि हमारा जुगाड़ बन जाए, सुई इंजेक्शन लगवा लें। और बताइए सब लोग, आप लोग नहा खा लिए हो? ये इंजेक्शन कितने रुपए का लगता है आप लोग को पता है? प्रेगनेंसी में जो हर हफ्ते में लगाया जाता है 3 महीने तक, बोली तो है कितने का लगता है हमको पता भी नहीं है, अपने से आइडिया लगाया हूँ कि 250 के आसपास होगा शायद, अब इतने का लगे हमको पता नहीं है। हाँ जब इतना लगता था ढेर मांग कर, चलिए तो बस आज के वीडियो में इतना ही, हम सोचेंगे फिर कोई वीडियो बनाएंगे जैसा हमारा रहेगा लाइफ, तो हमको भी थोड़ा सपोर्ट किया करिए, हम भी
ही लड़का बच्चा वाले हैं, परिवार वाले मत सोचो, बस अकेला नहीं, हमारे पास ही दो बच्चे हैं, हमारा सपोर्ट करें, मदद करें, हम भी उन लोग के लिए कुछ कर सकें। अभी तो मेरी बच्ची बोल रहे हैं मुझे साइकिल खरीदना, तो कुछ आप लोग मदद करोगे तब तो हुआ होता। अब हम कैसे बुढ़िया नहीं साइकिल चला ठीक बुढ़ा मैं देखा तो